हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए एक नई पोस्ट की वीडियो लाया हूं आज हम इस वीडियो में एक नई जॉब के बारे में जानेंगे उसकी एलिजिबिलिटी उसकी डेट्स और उसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन को जानेंगे तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे यू पी एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट एग्ज़ाम 2021 की वैकेंसी के बारे में इसकी कुछ और एलिजिबिलिटी को जानते हैं जो कि हैं एप्लीकेशन बिगिन इसकी एप्लीकेशन की शुरुआत होगी 3 नवंबर 2021 यानी 3 यानि 2021 ग्यारह और इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और इसकी पे एग्ज़ाम फी जो लास्ट डेट है वो भी ट्वेंटी नाइन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है और लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग फॉर्म आपका फॉर्म को कंप्लीट करने की लास्ट डेट है तीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अब बात करें एग्ज़ाम डेट की तो एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताई गई है एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको नोटिफिकेशन जल्दी दे दी जाएगी और एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो आपको एग्ज़ाम से कुछ समय पहले दे दिया जाएगा अब हम इसकी बारे में और इन्फॉर्मेशन को जानते हैं जो कि है इसकी आपको पेमेंट कैसे करनी है आप इसकी पे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और ऑफ़लाइन थ्रोथ ई चैनल भी पे कर सकते हैं अब हम जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के लिए कि आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है तो बात करें जर्नल ओ और ई कैटेगरी के लोगों के लिए इनके लिए इस पोस्ट की एप्लीकेशन फ़ीस है दो सौ अब बात करें एस और एस की इन इस कास्ट के लोगों के लिए इसकी एप्लीकेशन फीस है एक सौ और लास्ट बात करें फिजिकल हैंडी जिन्हें दिव्यांग कहते है, उनकी हैं उनकी है पच्चीस रुपये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 इयर्स है और मैक्सिमम एज फोर्टी ईयर्स ये एज लिमिट आपकी फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से वैलिड है जहां बात करें एज रिलैक्सेशन जो आपको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यू पी पी एस एस सी रिक्वायरमेंट रूल्स आपको कुछ मिलेगी अब जब हम इसकी वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट नेम है प्रोग्रामर ग्रेड टू इसके टोटल पोस्ट हैं वन और इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट है बैचलर डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉर्गनाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री विद ए लेवल सर्टिफिकेट एडवांस डिप्लोमा फ्रॉम डी ओ ई सेकेंड एलिजिबलिटी है कम्प्लीट नॉलेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन और कल इन ग्रीन्स साइबेस डी बी एंड सी या सी फोक्स प्रो या अदर अब बात करें इसकी थर्ड इलेजिबिलिटी की तो है नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग एनवायरमेंट लाइक नोवल एंड विंडो एंटी एक्सेप्ट्रा फोर्थ इलेजिबिलिटी है कम्प्लीट नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन पैकेजेस एंड इंटरनेट अब हम इसकी सेकेंड पोस्ट के बारे में जाने तो वो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की इसकी टोटल पोस्ट हैं तीन अब इसकी एलिजिबिलिटी को जानें तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर डिग्री विद ओ सर्टिफिकेट फ्रॉम डी ओ ई सेकेंड एलिजिबिलिटी है नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन वेरियस सॉफ्टवेयर एज एम एस ऑफिस लॉकटस स्मार्ट सूट एक्सेप्ट इन डी बेस यूनिक्स और विंडोज थर्ड एलिजिबिलिटी है नॉलेज ऑफ एक्सपोज ऑफ नेटवर्किंग ऑन नोवल एंड विंडो एंट्री और लास्ट इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 फाइव और इंग्लिश में 40 डब्लू होनी चाहिए अब हम इसकी नेक्स्ट पोस्ट को जानते हैं जो कि है मैनेजर सिस्टम की इसकी टोटल पोस्ट हैं वन और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसको बी भी कहते हैं तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में इस पोस्ट के बारे में जाना अगले वीडियोस में हम दूसरी पोस्ट के बारे में जानेंगे आपके लिए और अदर जॉब्स की इन्फॉर्मेशन को लाएंगे तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली पोस्ट के बारे में आप तक जानकारी समय पर पहुंच सके और आप किसी भी पोस्ट को मिस ना करें थैंक यू फॉर वॉचिंग